कि इसका जो फेसेट है, तीन फेसेट्स होते हैं, एक पोस्टीरियर फेसेट है, एक एंट्रोलैटरल फेसेट है और एक मीडियल फेसेट है। जाहिर है जो लैटरल साइड है जिस पर मैंने कहा कि ये इन्वेजिनेशन से, उस साइड पे एंट्रोलैटरल फेसेट होगा, ये वाले जो बड़ा सा है ये पोस्टीरियर फेसेट है और इधर आगे की तरफ मीडियल साइड पे मीडियल फेसेट होता है। ठीक है, तीन फेसेट्स हो गए। हेड का जो हम एक्सेस है वो पूछा जाता है, तो इट इज़ डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। हमेशा याद रखना टेलस जो है वो डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स और मीडियली होती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हेड का एक्सेस है। देन आखिरी चीज़, उसके बाद जो चीज़ आती है हमारी, वो नेक ऑफ द टेलस है। ये जो दरमियान में कॉन्स्ट्रिक्टेड सा पोर्शन है, वी कॉल इट एज नेक ऑफ टेलस। नेक ऑफ टेलस हेड एंड बॉडी ऑफ टेलस को जोड़ती है। अब नेक को अगर हम प्लांटर सरफेस से देखें तो ये सारी कनकी है वैसी। ये कनकेविटी होती है नेक की, जिसे हम कहते हैं सल्कस टेलाए। ठीक है, ये सल्कस टेलाए जो है वो कनकेविटी ऑफ कैलकेनियस के ऊपर ऐसे फिक्स होती है, तो उसकी भी कनकेविटी और इसकी कनकेविटी मिलकर एक पूरा ग्रूव बीच में बना देती है, विच इज नॉन एज साइनस डार्साए। सल्कस टेलाए एंड सल्कस कैलकेनाए फॉर्म साइनस डार्साए। तो ये नेक में इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, नेक की इंटीरियर सर्फेस पे, क्योंकि वाइवा है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो जो स्क्वेटर्स हैं मैंने कहा, जो कि दर्जी होते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि उनकी डॉर्सी फ्लेक्शन हर टाइम फुट की होती है, उसकी वजह से नेक की एंटीरियर जो सुपीरियर सरफेस है उस पर मीडियली एक उनके फेसेट प्रेजेंट होता है स्पेशली। वो हम उसे कहते हैं कि स्क्वेटर्स फेसेट है, क्योंकि वो उनकी डॉर्सी फ्लेक्शन की वजह से बन जाता है और वो इंपॉर्टेंट है नेक की सुपीरियर सरफेस पे मीडियली बड़ा होगा। उसके बाद आ जाती है बॉडी ऑफ टेलस। बॉडी ऑफ टेलस को हम देखते हैं तो वो इस तरह से कुछ कि उसकी जो सुपीरियर या डॉर्सल सरफेस है, इट इज़ कन्वेक्स फ्रॉम अबव फॉरवर्ड्स, सॉरी बिफोर फॉरवर्ड्स, लेकिन कनकेव फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, इसकी सुपीरियर डॉर्सल सरफेस इस तरह से होती है, इसे ही ट्रॉक्लियर सरफेस कहते हैं। एक तो ये कि इसका ऐसे है, उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसका लैटरल बॉर्डर टेढ़ा है हल्का सा स्लाइटली, लेकिन जो इसका मीडियल बॉर्डर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, ये दूसरी बात होगी। उसके बाद ये हम कहते हैं कि ये इंटीरियरली ज़्यादा ब्रॉड है और पोस्टीरियरली इसकी विड्थ कम है। इसी की वजह से हमारा डॉर्सी फ्लेक्शन में एंकल जॉइंट जो है वो फुली अच्छी तरह से स्टेबल होता है, लेकिन जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो वो बीच में खतरा होता है कि उसको चोट लग सकती है। इसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी ऑफ द टेलस के